व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बवाल चल रहा है, और बवाल चले भी क्यों ना, क्योंकि प्राइवेसी की बात है। 200 करोड़ यूजर्स असमंजस में है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की जो यूरोपीय कंट्रियों को छोड़कर बाकी कंट्री को पॉपअप भेज रहा है कि आपको हमारी प्राइवेसी पॉलिसी मानना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके अकाउंट को 8 फरवरी 2020 को डिलीट कर देंगे। यूरोपीय यूनियन ने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर 2016 में कानून लेके आई, जिसका नाम है GDPR, जिसके तहत अगर किसी कंपनी द्वारा डेटा में छेड़छाड़ किए जाने पर उसे वैश्विक राजस्व का 4% अर्थदंड देना होता है, और यही नहीं उसे बैन भी किया जा सकता है। व्हाट्सएप यूरोप की कंट्रीज में अपना पॉलिसी अप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर EU के सख्त कानून है। वहाँ EU ने पहले भी बहुत सारे दंड लगा चुका है, और वहाँ की कानून के हिसाब से ऐसा डेटा में छेड़छाड़ करने पर उसे बैन भी किया जा सकता है। भारत में ये पॉलिसी इतनी आसानी से इसलिए अप्लाई हो गई क्योंकि यहाँ पर EU जैसा सख्त कानून नहीं है। हमारे यहाँ पर EU जैसा सख्त कानून होने चाहिए ताकि हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ ना हो। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि किसी भी वेबसाइट या ऐप्स में साइन अप करने से पहले उसकी प्राइवेसी के बारे में ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।